कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर रेजेंट प्लाजा होटल कराची में सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम सूबाई मशावरती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें इकबाल अहमद डिटो चेयरमैन, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन कौमी कमीशन राय इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान की कमिश्नर मैडम अनीस हारून, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध कल्पना देवी, सूबाई सेक्रेटरी इंसानी हकूक, सिंध मिनिमम वेजेस बोर्ड सिंध के चेयरमैन जुल्फकार नजामानी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध के मैनेजिंग डायरेक्टर सईद इम्तियाज अली शाह, पायलट के सरबराह करामत अली, राइटर जुल्फकार हालेपोटा, होम बेस्ड वर्कर्स की सरबराह जहरा खान और दीगर अलाहकाम सिविल सोसाइटी के मेम्बर्स के सामने कम अज कम इजरत के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज और डेली वेजेस, सैनिटरी वर्कर्स को माहवार 25,000 रुपये तनख्वाहें अदा न करने और हैदराबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन में अरसा दराज से मुलाजमत करने वाले सैकड़ों अकलियती सैनिटरी वर्कर्स को जुबानी हुक्म पर मुलाजमत से निकालने के खिलाफ और उनके हकूक की हमायत में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और इम्प्लीमेंटेशन मिनॉरिटी राइट्स फॉर्म पाकिस्तान के चीफ कोऑर्डिनेटर बूटा इम्तियाज इनका मुकदमा आला हकाम के सामने पेश कर रहे हैं। निकाल दिया गया। दूसरे नंबर पे म्यूनसिपल कमेटी कोटरी, ये डिस्क्रिमिनेशन है कि वहाँ इतवार की छुट्टी भी नहीं दी जाती और 15,000 तनख्वाह दी जाती है। उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी टंडो आदम में 15,000 तनख्वाह दी जाती है, जबकि नोटिफिकेशन 25,000 का है। उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी टंडो अलाजार 12,000 दी जाती है। मेरी जब पिछले दिनों सैनिटरी वर्करों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, खुदा के वास्ते हमारा कहीं जिक्र ना कीजिएगा, हम यहाँ बड़ी मुश्किल में हैं। 40 खानदानों को बेरोजगार कर दिया गया, वहां अगर कोई आवाज उठाता है दूसरे दिन उसको नौकरी पे नहीं लेते। कोटरी में अगर कोई आवाज उठाता है दूसरे दिन उसको नौकरी पे नहीं लेते। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो तुर्की कंपनी है, मैंने बीसीओ लड़कों से बात करनी चाहिए, और अल्लाह के बंदो तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? बूटा साहब ना पूछे, हमारे कोऑर्डिनेटर ने अगर देख लिया, हमारे सुपरवाइजर ने अगर देख लिया तो हमारा बड़ा गरक हो जाएगा, इस 19,000 से भी चले जाएंगे। अल्लाह के वास्ते ये पाकिस्तान का सबसे बाइज्जत तबका है, पाकिस्तान का सबसे मुहिब वतन तबका है। आप और मैं गंद करते हैं लेकिन ये तबका उस गंद को करता है। उसके बाद देखें जुल्म की इंतहा, देखें म्यूनसिपल कमेटी भिक्षा 12,000। हम कहते हैं सूफियों की धरती, और सूफियों की धरती पर यह हाल कर रहे हैं और फिर कहें कि अल्लाह अजाब नाजर ना करे, नामुमकिन है। उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी सकरंड 13,000 रुपए, म्यूनसिपल कमेटी दौड़ 11,000 रुपए, म्यूनसिपल कमेटी जामसा, टाउन कमेटी जामसा 11,000 रुपए, टाउन कमेटी बांदी 11,000 रुपए, टाउन कमेटी बोछेरी 11,000 रुपए। ये 12 इलाकों की छोटी सी तस्वीर आपके सामने पेश किया है। जैसे जैसे आप अंदरूने से सफर करते गए आपको जख्म ही जख्म नजर आएंगे हर तरफ। तो मेरी आप सबसे मुकद्दर का फैसला करने वालों से विनती है, खुदा के वास्ते पाकिस्तान का जो सबसे मेहनती तबका है, सबसे मुहिब्बे वतन तबका है, सारा दिन मुआशरे से बेइज्जत भी होता है लेकिन फिर सुबह हैदराबाद को, कराची को, पाकिस्तान को साफ करने के लिए मैदान में आ जाता है, इनके साथ इंसाफ कीजिए। बड़ी मेहरबानी।